नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जिसको BSBDAB कहा जाता है। आपने देखा होगा जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, वो एक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट आपको जीरो बैलेंस पे ऑफर करते हैं, जिसको नो फ्रिल अकाउंट भी कहा जाता है। जनरली बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट की बात करूँ तो ये लो इनकम बैकग्राउंड वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है, नो फ्रिल अकाउंट है। किसी भी एक बैंक में आप एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। पूरे इंडिया में ये अकाउंट की सुविधा उपलब्ध है हर बैंक के अंदर। कोई भी रिस्ट्रिक्शन एज और इनकम को लेके इसमें नहीं है। इसके अंदर आपको जो बेसिक जो सर्विसेज मिलती है बैंकिंग की, जैसे नॉर्मल सेविंग अकाउंट मिलती है, वो सब मिलेगी। डिपॉजिट विड्रॉल की सुविधा मिलेगी, ATM कार्ड मिलेगा, पासबुक मिलेगा, चेकबुक मिलेगी, इंटरनेट बैंकिंग भी मिलेगी, UPI भी आप इसके माध्यम से कर सकते हो। अब हम इसके अंदर और डीप में जाते हैं। इसको हम दो चीज़ों में कवर करेंगे। पहले हम फीचर्स देखेंगे कि बेसिक सेविंग डिपॉजिट्स अकाउंट्स की क्या फीचर्स हैं। दूसरा फिर हम देखेंगे रिस्ट्रिक्शन कि जब गवर्नमेंट ने अगर इतनी ज़्यादा लिबर्टी दी हुई है तो रिस्ट्रिक्शंस में क्या क्या है। सबसे पहले BSBDA की हम फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो मेन फीचर्स है वो है जीरो बैलेंस। चाहे बैंक कोई सा भी हो, लेकिन ये वाला अकाउंट आपका जीरो बैलेंस का ही रहेगा इसमें, और ये बैंक की सुविधा हर कोई आपको देगा। दूसरा, जो बेसिक सेविंग अकाउंट्स के फीचर्स होते हैं वो सब आपको इसके अंदर मिलेंगे। चेकबुक, ATM कार्ड, ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, सब कुछ। तीसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन। चूँकि आप सब जानते हो, जो भारत सरकार का जो मकसद है वो ये है कि मैक्सिमम लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाया जाए। मतलब जो गरीब लोग हैं, जिनको किसी भी तरह की बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको किसी भी तरीके से बैंकिंग से जोड़ा जाए ताकि उन लोगों की तरक्की हो सके। तो जो स्मॉल सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो एक जो राह है उसको भारत सरकार के लिए आसान बनाता है। दूसरा, ये जो अकाउंट है ये RBI की गाइडलाइंस के अंतर्गत खुला जाता है, तो RBI सारी रूल्स एंड रेगुलेटरी वगैरह इसके अंदर लागू होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये अकाउंट कहीं खुलवा लिया तो आपके साथ किसी तरह की कोई धोखाधड़ी या कुछ हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। अब कंडीशंस, कुछ जो बेसिक कंडीशंस हैं कि टोटल क्रेडिट 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होगा साल भर में, मैक्सिमम जो बैलेंस हो सकता है वो 50,000 हो सकता है, टोटल कैश विड्रॉल और कैश ट्रांसफ़र 10,000 से ज़्यादा 1 महीने के अंदर नहीं होंगे, और फॉरेन रिमिटेंस इसके अंदर अलाउ नहीं है अंटिल अनलेस कि आप एक नॉर्मल KYC की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दें। अब आता है फीस। इसके अंदर अगर आप ATM कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो, पासबुक या स्टेटमेंट, तो जो फीस है वो बिल्कुल नॉमिनल फीस या मिनिमम फीस लगेगी। और जहाँ तक अगर सरकारी बैंकों की बात है तो वहाँ पर शायद आपको ये सारी की सारी चीज़ें फ्री में ही उपलब्ध हो जाए। दूसरा, डिजिटल बैंकिंग। चूँकि बेसिक सेविंग अकाउंट्स को अगर गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर रही है तो डिजिटल बैंकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि जो भी बेसिक सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करे वो डिजिटल बैंकिंग इस्तेमाल करे। डिजिटल बैंकिंग के अंदर आपके अंदर UPI आ जाता है, बायोमेट्रिक ATM विड्रॉल आ जाता है, मतलब अंगूठे से आपका विड्रॉल हो जाता है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM कार्ड। यानी कि गवर्नमेंट का फोकस ये है कि जो लोग भी बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट में हैं या प्रधानमंत्री जनधन योजना से के तहत जुड़े हुए हैं, वो लोग डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से ही बैंकिंग करें। अब बात आता है मेन रिस्ट्रिक्शंस कि अगर गवर्नमेंट इतना लिबरलाइज हो रही है कि जीरो बैलेंस पे भी खुलवा रही है, KYC डॉक्यूमेंट कम है तो भी आप ये अकाउंट खुलवा सकते हो, किसी भी बैंक में खुलवा सकते हो, पैन इंडिया खुलवा सकते हो, तो गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस इस पे लगाई हुई है ताकि इन वाले अकाउंटों का कोई दुरुपयोग ना हो। क्योंकि देखो, दुरुपयोग होना एक बड़ी आम बात हो जाती है। अगर लोगों को लिबर्टी दे दी जाए तो लोग अपने अधिकारों को भूलकर सिर्फ अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट ने इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, वो हम एक एक करके देखेंगे ताकि इन अकाउंटों का कोई दुरुपयोग हो। सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन है क्रेडिट। टोटल जो भी डिपॉजिट या ट्रांसफ़र आप इस अकाउंट में करवा सकते हो, 1 साल के अंदर 1 लाख ही करवा पाओगे। अगर 1 लाख से ज़्यादा जब भी आप एग्जिट करने की कोशिश करोगे, सिस्टम अलाउ नहीं करेगा और आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। दूसरा है डेबिट लिमिट।
पर मंथ आप चाहे एटीएम कार्ड से निकलवाएं, चेकबुक से निकलवाएं, यूपीआई से निकलवाएं, चाहे इंटरनेट बैंकिंग से, पर मंथ आप 10,000 से ज़्यादा का विड्रॉल इस अकाउंट के अंदर नहीं कर सकते। मैक्सिमम बैलेंस, जब भी आप कोई डिपॉजिट करें तो मैक्सिमम बैलेंस इस अकाउंट के अंदर 50,000 का हो सकता है एक बार के अंदर। मान के चलिए अगर आपका 49,000 बैलेंस है तो अब आप 1,000 रुपये ही और डिपॉजिट करवा पाएंगे इस बैंक में, उससे ज़्यादा सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। दूसरा, अगर आपकी कोई फॉरेन रिमिटेंस आनी है तो इस बैंक अकाउंट के अंदर वो अलाउ नहीं है। अगर आपको इस बैंक अकाउंट के अंदर फॉरेन रिमिटेंस चाहिए तो इसको आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा अपनी पूरी KYC देखे, यानी कि किसी भी तरह का विदेश से पैसा चाहिए, अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई ऑस्ट्रेलियन हो, आपका पैसा इस अकाउंट में नहीं आ सकता। दूसरा, जब ये अकाउंट खुलेगा तो 12 महीने के अंदर आपको आपके KYC डॉक्यूमेंट बैंक में डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। हाँ, कुछ केस में वो 12 महीने और 12 महीने एक्सटेंड हो जाते हैं, मतलब 24 मंथ के अंदर आपको कैसे भी करके KYC डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराने पड़ेंगे, नहीं तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। दूसरा, ये सिर्फ फैसिलिटी जो है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की फैसिलिटी सिर्फ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ब्रांचों में ही उपलब्ध है, क्योंकि आज हम 2024 में हैं, 2024 में शायद ही ऐसी कोई ब्रांच हो जो कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से ना जुड़ी हो। सिर्फ यह है कि कोई दूर दराज गाँव की कोई ऐसी ब्रांच है जो नहीं जुड़ पाई है तो उसके अंदर ये वाली फैसिलिटी नहीं मिलेगी, नहीं तो मेरे हिसाब से 99% ब्रांचेस आज की डेट में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पर ही काम कर रही हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था KYC आपको कंप्लीट करानी पड़ेगी। आज की डेट में बैंक में KYC का मतलब यही रह गया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड। वैसे तो दूसरे भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो KYC के ऊपर बैंक को एक्सेप्ट करने चाहिए, जैसे वोटर ID कार्ड हो गया, नरेगा कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, लेकिन बैंक जनरली इंसिस्ट करता है कि आप आधार कार्ड और पैन कार्ड बैंक में अपडेट करा दें। अब आता है कि इस बैंक के अगर आप मुझे याद अगर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना है तो मैं कैसे खुलवा सकता हूँ। देखिए, आप इसको हर बैंक में खुलता है ये अकाउंट, और ज़्यादातर बैंक इसको ऑनलाइन खोलने की छूट देते हैं, मतलब आप ऑनलाइन इस बैंक अकाउंट को आसानी से खोल सकते हो। मैं आपको लाइव बताता हूँ कि किस तरीके से आप अलग अलग बैंकों में जाके ये खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर यदि मुझे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोलना है, अगर मैं ऑनलाइन खोलना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं, आप ऑनलाइन इसको सर्च करिए। सबसे पहले तो ये RBI का सर्कुलर आ जाएगा जिसके अंदर की गाइडलाइंस हैं कि बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है और RBI के कौन कौन से सर्कुलर्स में उसकी डेफिनेशंस हैं। अब नीचे आते हैं, देखिए HDFC में आ जाइए। HDFC का अगर यदि आप खोलेंगे तो यहाँ पर इन्होंने सारी डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं, और यहाँ पर इन्होंने ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट ओपन इन सिक्योर बैंक भी दिया हुआ है, मतलब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर घर बैठे ही अपना खुद का सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पर ओपन अकाउंट नाउ पे जाके आप बाकी सब डिटेल्स आप धीरे धीरे करके फीड करते रहेंगे तो आप आसानी से सिर्फ 4-5 मिनट के अंदर आप अपना अकाउंट खोल पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं SBI की। SBI डायरेक्टली वेबसाइट पर अलाउ नहीं करता, लेकिन अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके इसकी योनो ऐप खोलेंगे तो योनो ऐप के माध्यम से आज की डेट में आप अपना सेविंग अकाउंट आराम से खोल सकते हो। आप योनो ऐप SBI की ऐप है जिसके माध्यम से SBI में अकाउंट खुलता है। आप इसको ओपन कर लीजिए तो आपको पहला पेज ही आपको दिखेगा, ओपन सेविंग बैंक अकाउंट। अब हम नीचे आते हैं, यूनियन बैंक भी देखिए ऑनलाइन खोलने की परमिशन देता है, फेडरल बैंक भी है, अब PNB बैंक भी देता है। PNB बैंक में आ जाइए एक बार, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में ये क्या कहता है ये देखिए, इन्होंने ये सारे पैरामीटर्स बताए हुए हैं। हो सकता है कि ये इसके अंदर ऑनलाइन नहीं खुलता हो, आप ब्रांच में जाके खुलवाएंगे तो खुल जाएगा। लगभग आप अगर यदि गूगल पे सर्च करेंगे तो टॉप कैनरा बैंक भी देख सकते हैं, एक्सिस बैंक भी देख सकते हैं, RBL भी देख सकते हैं। ये सारे बैंक आपको ऑनलाइन से बेसिक सेविंग अकाउंट खोलने की परमिशन देते हैं, मतलब आप बड़ी आसानी से खोल सकते हो बिना किसी झंझट के। फ्रेंड्स, अगर आपके किसी भी फ्रेंड्स या रिलेटिव को लोन चाहिए तो आप उसकी लोन की फाइल हमें रेफ़र कर सकते हैं, हम आपको 2% तक का कमीशन देंगे लोन डिसबर्स होने के बाद। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट के बारे में, जितनी भी जानकारी आपको चाहिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर वो आपको इस वाले वीडियो में ज़रूर मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं।